अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौरी अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा चौरी अजीम का ऐड सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक जो है हर्ब को स्टार्ट की है, एक जड़ी बूटी के अंदर आता है, हुक्मा लोगों की पसंदीदा है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को रेग माही के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों रेग माही को इंग्लिश के अंदर सैंड फिश बोला जाता है। और दोस्तों रेग माही जो है एक छिपकली नुमा मछली होती है जो रेत के अंदर रहती है। और दोस्तों ये ज़्यादातर जो है खुशक बंजर रेतली इलाकों के अंदर पाई जाती है। और दोस्तों इस वजह से सैंड फिश बोला जाता है। और दोस्तों ये पाकिस्तान इंडिया के अंदर सहराई इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, चौलिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसके अलावा थर के इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और दोस्तों रेग माही का मतलब जो होता है रेत की मछली, यानी रेग का मतलब होता है रेगिस्तान से निकला हुआ है, रेग का मतलब होता है रेत और माही जो मछली को बोला जाता है। और दोस्तों इस वजह से इसका लफ्जी जो मतलब निकलता है रेत की मछली निकलता है। दोस्तों इसे बहुत सारी जो है देसी अदवियात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इससे पहले इसका जो है पेट साफ करके इसकी सफाई कर ली जाती है, उसके बाद इसे धूप के अंदर खुशक कर लिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसकी तबीयत जो है गर्म खुश्क है। चले दोस्तों ये तो थे रेग माही के थोड़े सी इन्फॉर्मेशन, अब आ जाते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ और फ़ायद की तरफ। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है, जितनी भी तमाम जिनसी मर्दाना कमजोरी की बीमारियाँ उसके अंदर कुमार लोग इसे बहुत ज़्यादा शामिल करते हैं, इसे कैप्सूल बनाते हैं। दोस्तों इसे मजूर बनाई जाती है, इससे से मुख्तलिफ किस्म के सफूफ बनाए जाते हैं। और दोस्तों इसे मुख्तलिफ किस्म के तेल के अंदर मिक्स करके तला बनाए जाते हैं। और दोस्तों ये जोड़ों के दर्दों को ख़त्म करता है। दोस्तों उजलात के अंदर किसी भी किस्म का पेन उसे दूर करता है, एसाबी कमजोरी को दूर करता है। और दोस्तों नज़ला जुकाम से बचाता है, सर्दी से बचाता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनके उजरत नासर के अंदर सख्ती नहीं आती उनके लिए बेहतरीन है। और दोस्तों नफ्स की जानब दौरान खून को तेज़ करता है, जिसकी वजह से नफ्स के अंदर सख्ती आती है। दोस्तों मनी को ये गाढ़ा करता है, मनी की अफजाइश करता है। ये शाही नुस्खों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। बरे सगीर के अंदर जितने भी पाको हिंद के अंदर बादशाह गुजरे हैं उनके जो है खानों के रेसिपीज़ के अंदर इसे खास शामिल किया जाता था, और कि अद्वियात के अंदर इसे खास शामिल किया जाता था मर्दाना कमजोरी को दूर करने के हवाले से। और दोस्तों ये दिल को ताकत देता है, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है, दिल को सेहतमंद रखती है। और दोस्तों मर्दाना बांझपन को ये दूर करती है। और दोस्तों कुल मिला के मर्दाना जिनसी बीमारियों के हवाले से जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। चले दोस्तों ये तो थे रेग माही यानी सैंड फिश के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, बेनिफिट्स, यूजेस। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया गर्म खुश्क तबीयत रखती है, इस वजह से ऐसे अफराद से बिल्कुल इस्तेमाल न करें जो इंतहाई गर्म मिजाज के हैं। इसकी जो मुनासिब खुराक है इसका ज्यादातर पाउडर ही इस्तेमाल किया जाता है, 1 से 2 ग्राम है। इसे ज्यादातर मिक्स नुस्खा जात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इसे अकेला बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर बेचैनी हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो सकता है, जिस्म के अंदर शदीद खारिश स्टार्ट हो सकती है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेग माही यानी सैंड फिश के हवाले से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसके यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों अगर मज़ीद कोई सवाल है आपका रेग माही के हवाले से, सैंड फिश के हवाले से, कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स और आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा और दोस्तों ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर मजीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, या दोस्तों किसी भी हवाले से कोई सवाल है आपका, जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलें दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।